चलिए दोस्तों, मैं कमाल का आपको तीन ट्रिक बताऊंगा। देखिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ से जा करके और डाटा यूज़ करते हैं, मोबाइल जो डाटा होता है आप यूज़ करते हैं, तो बस आपको यही पता होगा कि डाटा को ऑन करना और ऑफ़ करना, बस यही आप जानते हैं कि बस हमको डाटा ऑन करना होता है और डाटा को ऑन ऑफ करना होता है। लेकिन मैं आपको तीन इसमें हिडन सीक्रेट ट्रिक्स बताऊँगा, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि आप चौंकने वाले हैं। आज का वीडियो आपको चौंका देगा कि ये तीन सेटिंग कहाँ से निकल के आया। तो ये तीन सेटिंग मैं आपको बताऊँगा कि डाटा जो मोबाइल डाटा होता है इसमें तीन सेटिंग छिपा हुआ है, इसी की मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो वीडियो आज का बहुत कमाल होने वाला है। जो तीसरा नंबर का ट्रिक है वो आप जरूर देखिएगा, वो कमाल का सेटिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मोबाइल डाटा में जो तीन सेटिंग छिपा हुआ है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या करना है आपको, यहीं पर जो इंटरनेट बटन है इस पर यहाँ पे होल्ड करके दबा के रखिएगा। जब दबा के आप रखते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जो मैं आपको ये तीनों सेटिंग बताऊंगा एक एक करके आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मोबाइल डाटा यूजेज, आप डाटा यूजेज करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपने मोबाइल, आप घर पे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चाहे काम करते हैं, और आपके मोबाइल में पर डे भी जो डाटा यूजेज मिलता है आपको 1.5 GB मिलता है कि 2 GB मिलता है, इससे आप यूजेज पता कर सकते हैं। और आपकी डाटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, पता भी नहीं चलता, अरे यार हमको कुछ काम करना था और मेरा डाटा बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, आप यहाँ पे सेटिंग करके रख सकते हैं, या बच्चे लेते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, चाहे कुछ भी चलाते हैं, बहुत जल्दी आपके डाटा खत्म हो जाता है, तो आप अपने डाटा को सेव करके रख सकते हैं, उसको बचा करके रख सकते हैं। चलिए मैं इस सेटिंग को आपको बताऊंगा कैसे। यहां पे आपको दबा के रखेंगे, यहां पे डाटा यूजेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे आपको सिंपली सी क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहां पे आपको मिल जाता है, यहां पे देखिएगा मोबाइल डाटा यूजेज लिमिट पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल डाटा लिमिट पे, मोबाइल डाटा पर लिमिट पे क्लिक करिएगा। यहां पे देखिए आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाता है, यहां पे डेली डाटा लिमिट, यहां पे डेली डाटा लिमिट आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए डेली कितना डाटा यहां पे लिमिट से सेट कर सकते हैं कि आपकी डाटा को बचाना है, तो आप अपना लिमिट सेट कर देंगे कि इतना देर के बाद मेरा डाटा, इतना MB के बाद डाटा मेरा खत्म हो जाए। सपोज मेरा 5 GB के डाटा का प्लान है, 6 GB का प्लान है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सेट कर दूंगा 5 GB डाटा लिमिट ही है, और 1 GB मेरा बचा रहा है, तो मैं बाद में अपना काम वगैरह करना हो तो मैं कर सकता हूं। यहां पर आप डेली का लिमिट भी सेट कर सकते हैं और यहां पर मंथली डाटा लिमिट का भी सेट कर सकते हैं। तो यहां पर ओके करेंगे तो मंथली डाटा लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि आप मंथली डाटा कितना लिमिट कितना यूज करना चाहते हैं। और यहां पे आप मंथली डाटा अलर्ट का भी ऑप्शन है, इसको भी ऑन करेंगे तो मंथली डाटा आप कितना यूज करना चाहते हैं ये भी सेट कर सकते हैं, 1 GB 2 GB 100 GB 50 GB आप जितना चाहें यहां पे सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपने 5 GB लिमिट सेट कर दिया तो 5 GB जैसे ही खत्म हो जाएगा वहां पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर वो डाटा चलेगा नहीं, आपका जो मोबाइल डाटा होगा वो यूज नहीं होगा, वो चलेगा नहीं, किसी भी एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा। वो जैसे भी एप्लीकेशन चाहे यूट्यूब खोलेंगे चाहे कुछ भी खोलेंगे तो गोल गोल घूमेगा बट वो चलेगा नहीं, क्योंकि उतना डाटा हमने सेट कर दिया, लिमिट सेट कर दिया था। ये बहुत कमाल का सेटिंग है। अगर आपको ये आपने लिमिट सेट कर दिया, अगर आपको यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहां जाएंगे और आप अपने डाटा के लिमिट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यहां पे कस्टम भी है, कस्टम भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं यहां पे 6 GB जितना चाहें आप यहां पे आप 6 GB डाटा सेट कर सकते हैं। यहां पे MB का भी अमाउंट होता है, यहां पे आप यहां से कस्टम भी सेट कर सकते हैं, जैसे आप कस्टम सेट करना चाहें तो कस्टम भी सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, अगर आप सेट करके रखेंगे तो आप अपने डाटा को बचा सकते हैं। इसमें एक कमाल का हिडन सीक्रेट सेटिंग था जिसको मैंने बताया। चलिए दूसरा सेटिंग जान लेते हैं, इसका भी बहुत कमाल का फीचर्स है, बहुत कमाल का अपडेट है, बहुत कमाल का ये सेटिंग है। चलिए दूसरे सेटिंग के मैं बारे में बताता हूँ आपको। यहीं पे यहाँ पे डाटा वाले पे जाना है, मोबाइल डाटा वाले पे क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको दबा के रखना है और डाटा एंड यूजेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली सी क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क सेटिंग यहां पे आता है, नेटवर्क परमिशन का ऑप्शन। ये क्या होता है, जैसे हम कहां पर के यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि हम कहां पे, जैसे सपोज दैट कोई बंदा है, चाहे कोई भी मेरे घर में बच्चे हैं, सब बहुत ज्यादा हमारा गेम खेलते हैं, जैसे पबजी खेल रहे हैं, चाहे कोई भी गेम खेल रहे हैं, चाहे जिस एप्लीकेशन से लग रहा है आपको कि उस एप्लीकेशन में मुझे उस डाटा बचाना है, तो उस एप्लीकेशन को आप नेटवर्क परमिशन दे सकते हैं, उसको नहीं भी दे सकते हैं। सपोज दैट मुझे किसी भी एप्लीकेशन है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें हमको परमिशन नहीं देना है। सपोज दैट गूगल क्रोम ही है, हमको यहां पे देखिए 3-4 ऑप्शन मिलता है, वाईफाई डाटा एंड मोबाइल, मोबाइल वाईफाई, और यहां पे डिसेबल नेटवर्क। अगर आप डिसेबल नेटवर्क कर देंगे तो इससे क्या होगा, वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा, उसमें नेट चलेगा ही नहीं। जैसे मैंने गूगल क्रोम में डिसेबल कर दिया और मैं जाकर के गूगल क्रोम खोलूंगा तो यहां पर देखिए
यहाँ पे कुछ भी सर्च करके हम कुछ भी क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा नहीं, और मेरा डाटा ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डाटा ऑन है, बट ये साइट ये पेज खुलेगा नहीं क्योंकि हमने डाटा जो परमिशन दिया था वो हमने बंद कर दिया। तो ये भी एक कमाल का सेटिंग है कि यहाँ पे आप कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी आपके घर में, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर आप चाहते हैं तो उससे आप अपने डाटा को परमिशन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपके डाटा भी बचेगा। तो ये सेटिंग आप यूज कर सकते हैं, ये भी कमाल का सेटिंग था जो मैंने आपको दूसरा सेटिंग बता दिया। चलिए तीसरा सेटिंग के बारे में जान लेते हैं, ये तीसरा सेटिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये सेटिंग आपको बहुत कमाल का, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम वाईफाई, हम यहाँ पे जा करके वाईफाई डाटा भी यूज़ करते हैं, मोबाइल डाटा भी यूज़ करते हैं, तो कभी कभी वाईफाई का सिग्नल चाहे कभी कभी वीक हो जाता है, जैसे कभी कभी डाउन होता है और हम कुछ काम करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है। तो हम आपको एक ऐसा सेटिंग बताएंगे कि जैसे वाईफाई वीक होगा तो हमारा मोबाइल डाटा वहाँ पर काम करेगा और मेरे जो स्पीड इंटरनेट की स्पीड होगी उसको बढ़ा देगा। ये सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। इसको करने के लिए सिंपली सी आपको यहीं मोबाइल डाटा वाले पर दबा के रखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डाटा एंड यूजेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको सिंपली सी क्लिक कर लेना। जब क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको दिखा दूंगा, डबल चैनल एसएलएसएन, ये आपको देखिए इसको ऑन करना है यहां पे। ये अगर आप ऑन करके रखेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए लिखा भी वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, अगर आप सेम टाइम यूज कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी डाटा चाहे वाईफाई का चाहे मोबाइल डाटा अगर वीक पड़ेगा तो जो डाटा जिसमें भी ताकत होगा वो आपके डाटा को एक्सपीरियंस करेगा नहीं, आपको इंटरनेट को फास्ट बना देगा। तो ये एक कमाल का सेटिंग है। कभी कभी होता है कि हम डाटा भी ऑन कर लेते हैं, वाईफाई भी कनेक्टिविटी में आ जाते हैं और वहां पे यूज करते हैं तो कभी कभी काम नहीं करता, नेट नहीं चलता, बहुत स्लो चलता है। तो ये सेटिंग आप यूज कर सकते हैं, इससे अपने इंटरनेट स्पीड को बहुत हाई स्पीड में बना सकते हैं और आपकी स्पीड जो होगी बहुत तेजी से काम करेगी। तो ये मैंने आपको तीन सेटिंग बताया, ये तीनों सेटिंग अगर आपको पसंद आएगा, ये मोबाइल डाटा पे रिलेटेड है, मोबाइल डाटा पे ही रिलेटेड है, मोबाइल डाटा में ये तीन सेटिंग छिपा हुआ है। तो ये तीन सेटिंग अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।